समाजवादी पार्टी के बेतिहाता स्थित कार्यालय पर छोटे लोहिया जिनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सपा के पूर्व मंत्री व एमएलसी चुनाव के प्रभारी अंबिका चौधरी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जिसके संबंध में सपा के पूर्व मंत्री व एमएलसी चुनाव के प्रभारी अंबिका चौधरी ने बताया कि छोटे लोहिया जिनेश्वर मिश्र ने हमेशा किसानों और गरीबों के लिए संघर्ष किया। वह कहते थे कि यह लड़ाई छूट गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हमें समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है। जिनेश्वर मिश्रा ने लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाया, वे सरल ढंग से गूढ़ सिद्धांत समझा देते थे। उनमें बड़प्पन था कि वे छोटे से छोटे कार्यकर्ता का काफी ध्यान रखते थे। उन्होंने कहा कि पैसों से नहीं, कर्म और सिद्धांतों से आदमी बड़ा होता है। संघर्ष, ईमानदारी और निष्ठा के बूते राजनीति में आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। नौजवानों को उनसे यह सीख लेना चाहिए कि हर गलत काम का विरोध करें। समाजवाद ही एक ऐसी विचारधारा है जो सच्चा लोकतंत्र कायम कर सकती है। एमएलसी चुनाव में सभी साथी पूरे मनोयोग से लगे हैं और तैयारियों से लग रहा है कि इस चुनाव में सभी शिक्षित स्नातक मतदाताओं के दम पर यह चुनाव जीतने जा रहे हैं। यह चुनाव हर हाल में जीतना है। इस अवसर पर सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष अवधेश यादव, महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर मोहसिन खान, प्रोफेसर चितरंजन मिश्र, चंद्रबली यादव, प्रहलाद यादव, रजनीश यादव, जफर अमीन डक्कू, रूपावती बेलदार, जियाउल इस्लाम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के पूर्व मंत्री व एमएलसी चुनाव के प्रभारी अंबिका चौधरी ने कहा, आज छोटे लोहिया जिनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि है और उनका समाजवादियों के कुनबे में जो स्थान है और देश में गरीब कमजोर लोगों के लिए काम करने के लिए जो उनका योगदान है, हम लोगों को याद करते हैं और एक गुरु के रूप में हम लोगों को याद करते हैं जिन्होंने समाजवाद का पाठ एक पूरी पीढ़ी को, बल्कि दो पीढ़ियों को इस तरह से पढ़ाया है और उनके रास्ते पर चलने का संकल्प दोहराने का दिन है आज। इसलिए हम लोग आज छोटे लोहिया जिनेश्वर मिश्र की जयंती के लिए इकट्ठा हुए हैं और गोरखपुर कार्यालय पर तो हम आज उनको याद कर रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, लेकिन प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के सभी कार्यालयों पर और अन्य सभी स्थानों पर उनकी पुण्यतिथि आज हम लोग मना रहे हैं। जी, आज अभी कार्यालय पर हमारे जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव होना है गोरखपुर मंडल, फैजाबाद मंडल के इस खंड का, उसकी तैयारी के लिए साथियों के साथ एक बैठक होनी है। जो हमारी तैयारी है उस तैयारी के संबंध में हर जनपद में अलग अलग प्रभारी भेजे गए हैं। गोरखपुर जनपद के लिए नेतृत्व में मुझे यहाँ साथियों के साथ काम करने के लिए भेजा है और हम आज इस संबंध में भी हम विचार विमर्श करेंगे और अपनी तैयारी को परखने का और उसको सुदृढ़ करने का,
जो कार्य और प्रयास है इसी लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सभी साथियों से परामर्श करके हम आगे बढ़ेंगे। ये चुनाव समाजवादी पार्टी भारी अंतर से जीतने जा रही है, मगर फिर भी चुनाव महत्वपूर्ण होता है और उसमें कहीं कोई बात कोई कमी अगर है तो हम लोग मिल बैठ करके उस कमी को दूर करने का, इसको और सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। इस जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए आज एक तैयारी बैठक है हम साथियों।